ऐसे हैं बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आपका, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडीजी पॉइंट पर। मैं आपके साथ चलिए आज की इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 50 से आगे लेकर कमेटी में जो आपको 50 क्वेश्चन दे दिया गया, आज की इस वीडियो में आपको 50 नंबर से आगे 51 नंबर से क्वेश्चन लेकर चलूँगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, समय ना गवाया जाए, क्लास से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3, तो तीन टेन थीटा का मान बताना है। तो 5 कॉस थीटा दिया है यहाँ पे, तो हम अगर लिख सकते हैं, तो अगर हम नहीं लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 3/5, क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा 3/5। तो कॉस थीटा बराबर 3/5 होगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, सेक होगा तो क्या होगा, 5/3 हो जाएगा। अगर इसका मान ली दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25/ का होगा 9, कितना होगा 25/9। ठीक है, इस तरह बन सकता है। या एक और तरीका देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। ठीक है, तो p निकालेंगे तो p हो जाएगा 5 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9, यानी कि हो जाएगा 16 बराबर कितना 4, कितना है 4 है। तो 3 tan थीटा पूछ रहा है, तो हो जाएगा 3 × tan थीटा का मान होता है b/h। तो b का मान हम लोग के पास 3 है और h का मान b/p और p का मान 4, 3 × 9/4 नहीं हो रहा है, 3 tan थीटा p/b होता है p/b, अर्थात 3 × 4/3, 3 से 3 कट गया, कब बचा 4, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चौथा सेक थीटा बराबर क्या होगा, बहुत सिंपल थीटा है क्वेश्चन है। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कि सेक के उल्टा का होता है कॉस होता है। 53 नंबर क्वेश्चन, यदि 3 cos थीटा = 2 हो तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा - 7 का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा मेरे भाई, आप धराधुरु में आंसर कीजिए, इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कीजिए, बताएंगे राइट आंसर मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। 3 cos थीटा बराबर दिया है cos थीटा 2/3, तो हो जाएगा b/h, तो p निकलेगा 9 - 2 × 4, 5 आया, √5 आएगा, कितना आएगा 5। ठीक है, क्या आएगा 5, तो 5 आया, तो यहाँ पर भरिए सेक थीटा में, फिर इसमें भरिएगा, हल करेंगे जब तो मान आएगा मेरे भाई इसका 0, क्या आएगा इसका 0 आएगा, यानी ऑप्शन ए को जगह राइट आंसर। चलिए अगला 54 नंबर क्वेश्चन, यदि sin A = 8/17 हो तो cot A का मान क्या होगा, 8/15, 17/15, 15/8, 8/17। 54 नंबर के आंसर कीजिए, 54 sin θ p/h, तो b दिया है, b निकाल दीजिए, 17 के स्क्वायर - 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 17 का हो जाएगा 289, 8 × 9 = 64, घटे 9 में 4 गया 5, 225 होगा, कितना आया 25 आया। तो cot θ = होता है b/p, तो b/p होता है। ठीक है, तो b का मान हम लोग के पास 25 और p का मान p/h 8, देखिए तो है 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का होता है, तो यहाँ 15/8, यानी कि ऑप्शन सी को जाएगा राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन के जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55, यदि cosec θ = √10 तो sec θ = क्या होगा, cosec θ = √10 दिया है, क्या दिया है cosec θ = √10, तो sin θ हो जाएगा इसका 1/√10, कितना होगा 1/√10, तो इसलिए cos θ हम जानते हैं, चूँकि cos θ = होता है √1 - sin θ। ठीक है, √1 - 1/√10 क्या होता है 10, तो साइन स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना होगा 1/10 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 1 - 1/10,
रूट में, ठीक है। लघुत्तम 10, 10 में सेक गया तो 9 बटा कितना आया 10, अर्थात 3 बटा रूट अंडर 5 कितना आया 3 बटा रूट अंडर 10, 3 बटा रूट अंडर 10, 3 बटा रूट अंडर 10, इसलिए सेक थीटा, इसलिए सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा तो हो जाएगा। देखिए कॉस थीटा का मान आया रूट में तो 1 बटा 3 बटा रूट अंडर 10 अर्थात 10 बटा रूट 3, रूट अंडर 10 बटा 3 इसका राइट आंसर जाएगा, रूट अंडर 10 बटा 3 यानी कि ऑप्शन बी को जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर थीटा, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए थीटा का मान, ये थीटा का मान पूछ रहा है, अबे दिया है तो साइन, आप एक काम कीजिए लंब और कर्ण दिया है, लंब और कर्ण दिया है तो साइन थीटा हो जाएगा पी बटा एच, ठीक है। या साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटा 6, ठीक है, द्वितीय 6 1 बटा 2 तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन कितना का मान होता है मेरे भाई, साइन साइन 30 का मान होता है, साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है, तो कितना आया 30 डिग्री, यानी ऑप्शन एक हो जाएगा राइट आंसर, ये ऑप्शन एक हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन एक हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आ गया 57 नंबर आपकी स्क्रीन पर कह रहा है यदि अल्फा बटा 4 बराबर 15 तो 3 कोसेक थीटा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, इसका मान बताना है यहाँ पे आपको, बताइए 57 नंबर का मेरे भाई, 57 नंबर का राइट आंसर कीजिए। अगर मान लीजिए तो अल्फा का मान निकालेंगे तो 15 चौका 60 डिग्री हो जाएगा, यानी पे 60 डिग्री आएगा, कोसेक रूट अंडर 3 कोसेक 60, रूट अंडर 3 और कोसेक 60 का मान होता है 2 बटा रूट 3, रूट 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा 2, यानी ऑप्शन बी को जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 58 टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा, 58 नंबर थीटा का मान होगा मेरे भाई रूट में ऑप्शन बी 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन यदि टेन थीटा बराबर पी बटा क्यू तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा, 59 नंबर क्वेश्चन है, जवाब दीजिए 59 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका विपरीत हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी पी क्यू प्लस पी, यानी पी प्लस क्यू बट्टा पी माइनस क्यू पी क्यू माइनस पी, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन क्या जाएगा बी को जाएगा राइट आंसर। अब इसको अगर कहिएगा तो हल करने के लिए तो हल भी किया जा सकता है, इसको हल करने के लिए देखिए क्या उपाय है, देखिए ये हो जाएगा पी बट्टा एच, पी बट्टा बी, एच निकालेंगे तो रूट अंडर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, तो साइन थीटा पी बटा एच होता, या तो इस तरीके से बना दीजिए और ना तो ये काम कीजिए सिंपल, इससे भी सिंपल तरीका है आप कॉस से दोनों तरफ भाग कर दीजिए, इसमें ये एल एच एस में आर एच एस बराबर दिया है मतलब कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा बटा फिर कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये तो कट गया तो क्या बचा एक प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होता है टेन थीटा, और ये एक माइनस टेन थीटा, ठीक है, तो एक प्लस टेन थीटा का मान क्या है पी है, पी बटा क्यू, वन माइनस पी बटा क्यू, ठीक है, तो हल करेंगे तो क्यू लघुत्तम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हम लोग का क्यू लघुत्तम, क्यू से क्यू कट जाएगा तो यहाँ बचेगा हम लोग का वन प्लस पी, इधर बचेगा वन माइनस पी, ठीक है, बचेगा बचेगा ना, तो क्यू से तो क्यू कट जाएगा, एक मिनट सॉरी बाबू, देखिए ये लघुत्तम लेंगे तो क्यू आएगा, यहाँ पर क्यू होगा प्लस पी होगा, फिर क्यू लघुत्तम आएगा क्यू होगा और माइनस का पी होता, क्यू से क्यू कट गया था क्या बचा क्यू प्लस पी बटा क्यू माइनस पी, यानी कि अब हम लोग चेक कर लीजिए ऑप्शन का नाम दिया है, देखिए
ऑप्शन बी में दिया है, क्या दिया है, ऑप्शन बी में, चलिए आ गया 60 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यदि सेक थीटा, सेक ए बराबर 25/7, सेक ए बराबर 25/7, क्या दिया है, सेक ए बराबर 25/7, तो साइन ए का मान बताइए मेरे भाई, साइन ए का मान बताना है आपको। चलिए बताएंगे, साइन ए का मान बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका, साइन ए का मान बताइए, साइन ए का मान बताइए आप लोग, बहुत सिंपल है आप लोग जवाब दीजिए। साइन देखिए बाबू, सेक थीटा बराबर पी बटा क्या होता है, सेक सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए आप, फटाक से बताइए, जल्दी से बताइए, सेक का मान पूछा जा रहा है, तो सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, तो क्या निकालना है, पी निकालना है, तो पी निकालने के लिए हम लोग एच स्क्वायर माइनस का पी बी स्क्वायर लिखेंगे, तो रूट अंडर एच का मान हो जाएगा हम लोग के पास 25 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 के स्क्वायर, तो 25 का 625 743 यानी 576, तो कितना हो गया, 24 हो गया, कितना आया, 24 हो गया, 24 आ गया, 24। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच होता है, तो पी बटा एच, पी का मान 24 और एच का मान 7, यानी कि ऑप्शन ए जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया आ रहा है समझ में मेरे भाई, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन 61 आपके स्क्रीन पर, टेन थीटा बराबर रूट 3, तो सेक थीटा का मान बताइए, टेन थीटा बराबर रूट 3, तो सेक थीटा का मान बताइए, 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताएंगे टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, एच निकाल दीजिए, एच एच हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट 3 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3 प्लस 1 4 बराबर कितना आया, 2 आया, यानी कि हम लोग का मान है एच का मान क्या आया, एच बराबर का आया 2 आया, तो सेक थीटा बराबर एच बटा बी होता है, तो 2/1 कहना है, 1/2 यानी कि 61 का मेरे भाई जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला 62 आपकी स्क्रीन पर आया, यदि कॉसेक थीटा बराबर 17/8, तो इसके लिए आपको भी पता है कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, कॉसेक बराबर होता है एच बटा पी होता है, तो बी भटाक से निकाल दीजिए, बी निकालेंगे तो 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर आएगा, यानी 289 माइनस 64 घटाएँगे तो 225 बचेगा, यानी कि 15 आया, 15 टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, तो 8/15 देखिए, तो कौन ऑप्शन है 8/15 कौन ऑप्शन है, ऑप्शन बी को दिया है, यानी कि ऑप्शन बी जाएगा राइट आंसर। 63 भी वैसा ही क्वेश्चन है, सेक का मान पूछ रहा है, सेक का मान बताइए जल्दी से, ये हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक दिया है, कॉसेक का मान होता है एच बटा पी, तो बी निकाल दीजिए, बी हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, तो सेक थीटा बराबर होता है तो क्या एच बटा बी होता है, तो एच का मान तो हम लोग के पास क्या है बी है, बी का मान एच स्क्वायर पी स्क्वायर निकाला गया ना, एच का मान दिया है हम लोग के पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर दिया ही है, तो यानी ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 64 अगर साइन बी बराबर साइन क्यू, तो इस संबंध बताइए क्या होगा, 64 नंबर का, 64 का संबंध बताइए भाई, संबंध क्या बताना है, साइन से साइन काट दीजिए, तो बी बराबर का आया क्यू आया, ऑप्शन बी को जाएगा राइट आंसर। 65 टेन थीटा बराबर 8/15 दिया है, टेन थीटा बराबर 8/15 यानी कि बी बटा दिया है, पी बटा बी दिया है, एच निकाल दीजिए धराम दे, तो एच क्या हो जाएगा 15 के स्क्वायर 225 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 289 बराबर 17, तो कॉसेक का मान आपको पता है, कॉसेक बराबर होता है एच बटा पी, तो एच का मान 17, पी का मान 8, यानी ऑप्शन ए जाएगा राइट आंसर। 66 निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है, 66 निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी कि ऑप्शन सी को जाएगा राइट आंसर, ये ऑलरेडी सूत्र पता है। 67 साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, तो इतना का मान बताना है आपको, 3 कॉमन लीजिए तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, तो ई पी और एच का मान निकालेंगे तभी बन जाएगा, और थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो भी बन जाएगा, तो एकाएक देखिए
साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है ना, तो कॉस थीटा कॉसेक, कॉसेक होता है तो कॉसेक बराबर दो हो जाएगा। तो दो जब हो जाएगा कॉसेक थीटा तो इसको भी बदल दीजिए, टेन को टेन कॉट बदलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, छोड़िए जो भी हो, राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इसका मान हो जाएगा पी बटा एच, तो बी निकालेंगे दो का स्क्वायर एक का स्क्वायर, यानी कि दो दूना चार माइनस एक तीन आया, वो भी रूट में, रूट अंडर तीन, रूट अंडर तीन, तो रूट अंडर तीन फौजी का मान बी का मान आया हम लोग के पास। तो टेन थीटा कॉट थीटा बराबर होता है पी बटा बी, क्या होता है पी बटा बी, तो हो जाएगा तीन गुने बी बटा पी के स्क्वायर प्लस वन। तीन गुने बी का मान मेरे भाई रूट अंडर तीन और पी का मान एक का स्क्वायर प्लस वन, यानी तीन गुने तीन बट तीन प्लस एक, तीन गुने चार बारह, ऑप्शन एक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है चलिए छियासठ अड़सठ, सेक थीटा बराबर तेरह बटा बारह तो कॉट थीटा का मान बताइए, वैसे ही क्वेश्चन ही भी है, ध्यान दे दीजिए आंसर, समय लगावाइए आंसर दीजिए। सेक थीटा ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट आंसर इसका, इसका आंसर रहेगा राइट आंसर ऑप्शन सी को जाएगा राइट आंसर बारह बटा पाँच। चलिए उनहत्तर, 2015 2017 2020 में पूछा हुआ है तो 2023 में पूछेगा आप लोगों के एग्जाम में, बताइए वन प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, वन प्लस टेन थीटा बराबर हो जाएगा, वन प्लस टेन थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन कैसे, क्योंकि जानते हैं वन प्लस सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो इसको हम एक बार भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये एक बच जाएगा, इसलिए ऑप्शन एक हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सत्तर, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है सत्य है अथवा सत्य है, चलिए बताइए सत्तर का, सत्तर का असत्य है क्या है, असत्य है। ठीक है अगला इकहत्तर, इकहत्तर का बताइए साइन थीटा है तो माइनस ही बाहर निकाल दीजिए, ऑप्शन बी को जाएगा राइट आंसर। बहत्तर, बहत्तर का भी जाएगा, बहत्तर का, बहत्तर का बताइए, अभी मत कहिए कि सर जी ये माइनस में, तो ये माइनस में जाएगा, ये ऑप्शन बी जाएगा ये भी, ठीक है तिहत्तर टेन ये भी जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन, टेन थीटा बराबर चार बटा तीन तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए, टेन थीटा चार बटा तीन दिया है ना तो एच का मान निकाल दीजिए, तो एच का मान आ जाएगा चार चौका सोलह, तीन तीन नौ सोलह नौ पच्चीस, यानी कि एच का मान पाँच आ जाएगा, कितना आएगा पाँच, तो इसमें मान भरेंगे पी बटा एच, पी बटा एच प्लस बी बटा एच, तो भरिए पी का मान दिया हम लोगों के पास पी बटा बी, यानी कि चार बटा पाँच और प्लस तीन बटा पाँच, चार तीन सात बटा पाँच, ऑप्शन सी। ठीक है लास्ट पचहत्तर नंबर क्वेश्चन, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए किसके बराबर है, पचहत्तर नंबर, ये बहुत सिंपल है, इसका मतलब एक होता है सेक स्क्वायर ए और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, कट गया तो क्या बचा एक, ऑप्शन सी। चलिए इस वीडियो में पचहत्तर क्वेश्चन ही रहने दे रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर छिहत्तर नंबर से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।